डियर स्टूडेंट्स, आपने रामायण देखा होगा जिसमें एक बार लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग जाता है जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, और गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनके उपचार के लिए संजीवनी बूटी की आवश्यकता रहती है। अब संजीवनी बूटी हिमालय पर्वत से लाए कौन? इतने कम समय में हिमालय पर्वत से कौन लाएगा संजीवनी बूटी? अब सबसे बड़ी समस्या ये थी। तभी किसी को ख्याल आता है कि हनुमान जी के पास बहुत ज़्यादा ताकत है। बहुत कारनामे उन्होंने, अचरज भरे कारनामे उन्होंने बचपन से ही किया है, तो ये काम भी उनके लिए कठिन नहीं होगा। तो उसी समय हनुमान जी को उनका बल याद दिलाया जाता है। कहा जाता है कि काचुप साध रहा बलवाना, यानी कि हनुमान जी को सीधे सीधे कहा जाता है कि आप तो बहुत बलवान हैं, फिर से ये चुप्पी क्यों है? तब जाके हनुमान जी को अपना बल याद आता है और वो सीधे सात समुंदर को पार करके संजीवनी बूटी लाने चले जाते हैं। फिर वहाँ पे उन्हें संजीवनी बूटी का आइडेंटिफिकेशन नहीं होता है, इसलिए उन्होंने पूरे पहाड़ को ही उठा लाया। तो मतलब ये रहा कि कई बार बच्चे ये सोचते हैं कि आखिर इस तरह की बातें रोज एक टॉपिक को पढ़ाने से पहले क्यों की जाती है? क्योंकि हनुमान जी की तरह आपकी जो शक्तियां हैं वो एक तरह से सुसुप्त अवस्था में है, उन्हें जगाना पड़ता है ना? आपकी भी शक्तियों को जगाना पड़ता है, तब जाके आपकी शक्तियां हनुमान जी की तरह उभर के सामने आती है ना? तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक कर दूँ। खैर, आप धीरे धीरे इस सिस्टम को एडॉप्ट कर रहे हैं, इस तरीके से पढ़ने का एक तरह से अपना रूटीन बना रहे हैं, और आप समझ गए हैं कि ये पढ़ने का तरीका बहुत ही अच्छा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देर का शुरू करते हैं आज का टॉपिक। अब तक हम लोगों ने डिस्कस किया है कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, खैर आज हम डिस्कस करेंगे कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या हैं, है ना? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन से बदलाव आते हैं, ये टॉपिक हम लोग को डिस्कस करना है। तो अब चलो, पहले का ही हम लोग देख चुके हैं कि फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट फ्यूज होते हैं और फ्यूजन के बाद जाइगोट बनाते हैं। अब जाइगोट की क्या विशेषता होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे, है ना? बहुत ही छोटा टर्म होगा आज का, छोटा सेशन होगा आज का। तो चलिए हम लोग एक एक लाइन को डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं कि इवेंट इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट आर द कॉल्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का मतलब जाइगोट के बनने के बाद की वो सारी प्रक्रियाएं, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो होती हैं उन्हें ये हम लोग पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग जाइगोट के बारे में डिस्कस करते हैं कि जाइगोट आखिर है क्या और आगे उसका क्या रोल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, तो देखिए जाइगोट कह रहा है कि फॉर्मेशन ऑफ द डिप्लॉयड जाइगोट इज यूनिवर्सल इन द सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि जाइगोट का फॉर्मेशन होना ही है, ठीक है ना? इसीलिए तो कह रहा है कि यूनिवर्सल, ठीक है,
यूनिवर्सल है ये। जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिज्म होंगे उनमें जाइगोट का बनना निश्चित है, ठीक है। इन द ऑर्गेनिज्म विद द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्मेड इन द एक्सटर्नल मीडियम वेयर एज इन दोज एग्जिबिटिंग द इंटरनल फर्टिलाइजेशन जाइगोट इज फॉर्मेड इन साइड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। यानी कि सीधे सीधे कह रहा है कि वे ऑर्गेनिज्म जिनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी होता है, उनमें क्या होता है कि जो जाइगोट बनता है वो आउटसाइड द बॉडी बनता है, और उसके बाद से कि जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है यानी कि इनसाइड द बॉडी, जैसे ह्यूमन बीइंग में तो जाइगोट भी इनसाइड द बॉडी बनता है, ठीक है ना। तो यही तो कह रहा है। आगे कह रहा है कि फर्दर डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द लाइफ साइकिल, है ना। आगे का जाइगोट का डेवलपमेंट देखा जाए तो किस पे डिपेंड है, ऑन द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल द ऑर्गेनिज्म, है ना, द ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरमेंट इज एक्सपोज्ड टू, ठीक है। आखिर कह रहा है कि जाइगोट का डेवलपमेंट अब कैसे होगा, किस चीज पे डिपेंड है। तो पहली बात देखें आप, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल पे डिपेंड है, किस प्रकार का ऑर्गेनिज्म है इस पे डिपेंड है, और किस कंडीशंस में रहता है, कौन से एनवायरमेंटल कंडीशन में रहता है, कि ये सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा जाइगोट का, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं कि जाइगोट का डेवलपमेंट आपने देखा कि किस प्रकार से हो रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ कह रहा है कि इन द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द फंजाई एल्गी जाइगोट डेवलप ए थिक वॉल, है ना, इट रेजिस्टेंट टू द डेजिकेशन, है ना, यानी कि ये इसको डेजिकेशन से बचाता है एंड डैमेज से बचाता है, ठीक है। इट अंडर गो ए पीरियड ऑफ द रेस्ट, ठीक है, रेस्ट बिफोर द जर्मिनेशन, यानी कि देखिए अब सीधे सीधे दिया हुआ है, कह रहा है कि वैसे ऑर्गेनिज्म जो फंजाई से बिलोंग करते हैं, एल्गी से बिलोंग करते हैं, उनमें क्या होता है कि जाइगोट जो होता है डेवलप करता है, अपने चारों तरफ एक थिक वॉल बनाता है, और उस थिक वॉल का क्या रोल है, क्योंकि उसमें डेजिकेशन ना हो जाए, डेजिकेशन का मतलब सूखना है ना, जो नमी है वो सूख ना जाए, इसके लिए जाइगोट के चारों तरफ एक वॉल बनती है। दूसरी चीज़ कहता है कि डैमेज ना हो, उसका नुकसान ना हो, इसलिए है ना उसके चारों तरफ एक थिक वॉल बनती है। यदि तुमसे एक सवाल किया जाए कि जाइगोट के आउटसाइड जो थिक लेयर होती है उसका रोल क्या है, तो तुम दो शब्दों में सीधे सीधे लिखोगे कि इट प्रोटेक्ट द जाइगोट फ्रॉम डेजिकेशन एंड डैमेज, बस दो शब्दों में तुमने आंसर लिख दिया, ठीक है ना। आगे चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि इन द ऑर्गेनिज्म विथ हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल एज यू हैव रीड इन द क्लास 11th, द जाइगोट डिवाइड्स बाय द माइटोसिस म्योसिस टू फॉर्म द हेप्लॉयड स्पोर डैट ग्रो इन टू हेप्लॉयड इंडिविजुअल्स। यानी कि आप देखें एक बार, कह रहा है कि आपने क्लास 11th में पढ़ा है क्या चीज़, कि जाइगोट जो होते हैं उनमें मियोसिस डिवीज़न होता है ना, कौन से ऑर्गेनिज्म में, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है। हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल आपने क्लास 11th में पढ़ा है, तो हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है कि जाइगोट जो होता है मियोसिस डिवीज़न करता है और हेप्लॉयड स्पोर बनाता है, ठीक है, जिससे हेप्लॉयड इंडिविजुअल्स भी बनता है, जिससे हेप्लॉयड ऑर्गेनिज्म भी बनता है ना। तो
तो इतना आपको समझ में आ रहा है। अब चलो थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। हमारी एनसीईआरटी में दिया है कि कंसल्ट योर एक्स, है ना, सॉरी कंसल्ट योर क्लास 11th बुक एंड फाइंड आउट व्हाट काइंड ऑफ द डेवलपमेंट टेक प्लेस इन द जाइगोट इन द ऑर्गेनिज्म विद द डिप्लोंटिक एंड हेप्लोबायोंटिक लाइफ साइकिल। यानी कि आपको कह रहा है कि एक बार और आप खुद से 11th की किताबों को फिर से ओपन करके देखें कि डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है और हेप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, है ना। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू यू विल टर्न द पेज ऑफ क्लास 11th, है ना, एंड यू विल ट्राई टू नो व्हाट विल बी हैपन इन द डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल एंड व्हाट विल बी हैपन इन द हेप्लो डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल। ये तुम्हारा टास्क है। आगे चलते हम लोग। अब देखो जायगोट के बारे में, जायगोट इज द वाइटल लिंक, है ना, डैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज बिटवीन द ऑर्गेनिज्म ऑफ द वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, है ना। एवरी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग द ह्यूमन, है ना, ह्यूमन बींग मी एट द साइन एट द सिंगल सेल जाइगोट। मतलब क्या हुआ भाई, कह रहा है कि जो जाइगोट है एक लिंक है। अब ये वाइटल लिंक दिया है भाई, वाइटल लिंक का मतलब होता है कि जो बहुत ही जरूरी होता है ना। जैसे हमारा हार्ट है, वाइटल आर्गन है, हार्ट के बिना जीना मुमकिन ही नहीं है ना, नामुमकिन है। अब देखो तो उसी तरह से क्या हुआ, एक तरह से उसी तरह से क्या हुआ कि जाइगोट जो है एक वाइटल लिंक है, किसके किसके बीच में, ऑर्गेनिज्म के बीच में और नेक्स्ट जनरेशन के बीच में। अब एक बात समझो, यदि हम लोगों की बॉडी है, खुद पे इमेजिन करो, हम लोगों की बॉडी है, हम लोगों की बॉडी से जाइगोट बनेगा और जाइगोट से नया जनरेशन शुरू होता है, तो क्या मतलब हुआ भाई कि जाइगोट से नया जनरेशन बना, तो मेरे बीच में और मेरी नई जनरेशन के बीच में लिंक क्या है, जाइगोट ही तो है, है ना। ह्यूमन बींग में भी ये है, और आपको पता ही है कि जाइगोट जो होता है सिंगल सेल होता है, ठीक है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर है। आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं आपकी इम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है। अब देखिए एक टॉपिक दे रखा है अगला, इम्ब्रियोजेनेसिस, है ना, यानी कि इम्ब्रियो का मतलब ओरिजिन होना, इम्ब्रियो का बनना इम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है। तो इम्ब्रियोजेनेसिस कैसे होगा, आपने देखा कि अभी तक, है ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट फ्यूज हुए थे, फ्यूज होने के बाद एक स्ट्रक्चर बना जिसे हम लोगों ने जाइगोट कहा। अब जाइगोट के बाद एक और स्ट्रक्चर बनता है, नया स्ट्रक्चर, है ना, जिसको हम लोग इम्ब्रियो बोलते हैं। और इस इम्ब्रियो को बनने की प्रक्रिया या जाइगोट से इम्ब्रियो बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, है ना। इम्ब्रियोजेनेसिस में देखो क्या होता है कि इम्ब्रियोजेनेसिस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट। सीधा सीधा मैंने यही तो बताया कि जाइगोट से इम्ब्रियो का डेवलपमेंट ही इम्ब्रियोजेनेसिस कहलाता है, है ना। अब देखो ड्यूरिंग द इम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है भाई, इम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान, तो कह रहा है कि जाइगोट अंडरगो द सेल डिवीजन, कि जो जाइगोट होता है उसमें सेल डिवीजन होता है, और कौन सा डिवीजन होता है ये भी ख्याल रखना है। तो माइटोसिस डिवीजन होता है ना, कि इम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान जाइगोट में माइटोसिस डिवीजन होता है ना, सेल का डिवीजन जो होता है माइटोसिस होता है। एंड सेल डिफ्रेंसिएशन, अब डिफ्रेंसिएशन का मतलब क्या होता है भाई,
डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि जाइगोट है, जाइगोट डिवाइड हुआ है ना, उसने एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर तो बना ली, लेकिन सारे सेल एक जैसे दिखते हैं उसमें, है ना, कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। लेकिन कुछ ही समय बाद उसमें से हाथ बनाने वाली सेल्स अलग होने लगती हैं, पैर बनाने वाली सेल्स अलग होने लगती है, सिर का निर्माण करने वाली सेल्स अलग दिखने लगती है। तो ये क्या हुआ, डिफरेंशिएशन हुआ है ना। तो मैंने क्या बताया कि सेल का डिवीजन होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में, फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन होता है ना। ये दोनों काम एम्ब्रियोजेनेसिस के पार्ट हैं, है ना, अच्छी तरह से समझ लेना है। व्हाइल द सेल डिवीजन इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना, सेल डिवीजन से क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, है ना, कि जाइगोट है उसमें दो सेल बनेंगी, फिर डिवीजन के बाद फोर सेल बनेंगी, फिर एट सेल बनेंगी, 16 बनेगी, 32 बनेगा, एंड सो ऑन। तो क्या देखा आपने कि सेल डिवीजन से जाइगोट का क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं, है ना। और द सेल डिफरेंशिएशन हेल्प द ग्रुप ऑफ द सेल, है ना, आगे देखिए कह रहा है कि द सेल डिफरेंशिएशन हेल्प द ग्रुप ऑफ सेल टू अंडरगो द सर्टेन मॉडिफिकेशन, है ना, कुछ मॉडिफिकेशन होता है टू फॉर्म द स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ठीक है, एंड ऑर्गन टू फॉर्म द ऑर्गेनिज्म। अच्छा अब देखो कि मैंने कहा कि एम्ब्रियोजेनेसिस में दो काम होते हैं। पहला काम सेल का डिवीजन होगा, सेल के डिवीजन से नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरी बात सेल का डिफरेंशिएशन, तो सेल के डिफरेंशिएशन से क्या होता है कि टिश्यू का स्पेशलाइजेशन होता है और मॉडिफिकेशन होता है, उसमें बदलाव आते हैं जिससे इम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है, इम्ब्रियो में हाथ पैर ये सारे बनने क्या एक तरह से सेल डिफरेंशिएशन का काम है, ठीक है ना। तो दोनों बातें मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी, है ना। नाउ यू हैव स्टडीड, कह रहा है कि यू हैव स्टडीड अबाउट द प्रोसेस ऑफ द सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन इन द प्रीवियस क्लासेज। हाँ भाई, कह रहा है कि मतलब आपने बहुत सारे टॉपिक्स को क्लियर किया है 11th में, है ना, इवन आपने सेल डिवीजन भी पढ़ा है ना, और उसके बाद से सेल का डिफरेंशिएशन भी पढ़ा है, ठीक है, ये आपसे उम्मीद कर रहा है, ठीक है। आगे हम लोग और डिस्कस करते हैं, हम लोग लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं अपने, इसलिए आपको घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बहुत कम समय में सेशन को ख़त्म किया जाएगा आज। एनिमल आर द कैटेगराइज इंटू, है ना, जो एनिमल होते हैं वो कैटेगराइज किए गए हैं किस में, इनटू द ओवी पेरस, ठीक है, यानी कि ओवी पेरस हो सकते हैं, बीबी पेरस हो सकते हैं, है ना, वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और द इनसाइड, ठीक है, करेक्ट, वेदर दे ले फर्टिलाइज आर अनफर्टिलाइज एग और गिव द बर्थ ऑफ यंग वंस, यानी कि समझे आप, ऑर्गेनिज्म दो तरह के हो सकते हैं, है ना, कौन कौन से, एक तो होता है ओवी पेरस, ओवी पेरस का मतलब होता है एग लेइंग का मतलब होता है अंडे देने वाले, ठीक है ना। अब एक बात बताओ तो, अंडे देने वाले बर्ड्स अंडे देते हैं, मैमल्स तो अंडे नहीं देते हैं ना, हा? तुमने देखा है कि क्या ह्यूमन बींग भी अंडे देते हैं, है ना, क्या गाय भैंस बकरी आपने देखा है क्या वो अंडे देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, है ना, वो तो बीबी पेरस है, यानी कि बच्चे को जन्म देते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको बताना है कि कौन सा मैमल है ना, कुछ मैमल्स एक्सेप्शंस है, तो कौन से मैमल्स हैं जो एग लेइंग है, जो अंडे देते हैं, ठीक है ना, तो बताओ, चलो मैं बताता हूं,
एग लेइंग मैमल्स का नाम है एकिडना और प्लेटिपस। ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, दो ऐसे मैमल्स हैं, है ना, जो एग लेइंग है। तो इस बात को याद रखना है, ये पूछा जाता है। सारे मैमल्स बीबीपेरस हैं, बच्चे देते हैं, लेकिन दो मैमल्स ऐसे हैं एकिडना और प्लेटिपस, ठीक है ना, ये दोनों अंडे देने वाले हैं। ठीक है, आगे चलो। कह रहा है कि ओवीपेरस भी हो सकते हैं ऑर्गेनिज्म, जैसे हम लोग हैं, चाइल्ड बर्थ करते हैं, गाय है, भैंस है ना, उसके बाद डॉग है, ये सारे क्या करते हैं, चाइल्ड बर्थ करते हैं, यानी कि आल आर्ड ओवीपेरस, सॉरी बीबीपेरस, ठीक है ना, यानी कि बच्चे देने वाले हैं। अब देखिए क्या होता है, एक बात और देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि इन द ओवीपेरस एनिमल, जो ओवीपेरस एनिमल होगा, जैसे कि आपको पता है कि रेप्टाइल एंड बर्ड्स है ना, फर्टिलाइज्ड एग आर द कवर्ड बाय द हार्ड कैल्केरियस सीड है ना, सेल, एंड ले लेड इन द सेफ प्लेस है ना, इन द इन्वायरमेंट। यानी कि देखिए कह रहा है कि ओवीपेरस में क्या होता है, आपको एग्जाम्पल भी दे रखा है। ओवीपेरस में रेप्टाइल का एग्जाम्पल दिया है, बर्ड्स का। तो रेप्टाइल और बर्ड्स अंडे देते हैं, सबको पता है, ठीक है ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी पता है। तो बर्ड्स और रेप्टाइल्स जो अंडे देते हैं है ना, उनके अंडे क्या होते हैं कि एक कैल्केरियस सीथ से घिरे रहते हैं। अब कैल्केरियस का मतलब पूछो, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा तो उसको बोलेंगे कैल्केरियस, है ना। तो जो ओवीपेरस एनिमल है, जैसे कि बर्ड, रेप्टाइल, ये क्या करते हैं, अंडे देते हैं, उस अंडे के ऊपर कैल्केरियस सीथ होता है और उस अंडे को बहुत ही अच्छी जगह पे रखते हैं, सेफ प्लेस पे देते हैं, ताकि कोई उन अंडे को नष्ट ना कर दे, है ना। तो इस बात का ख्याल रखा जाता है वहाँ पे भी, ठीक है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ इनक्यूबेशन है ना, एक इनक्यूबेशन पीरियड होता है ना, आप यंग वंस हैच आउट, यानी कि एक इनक्यूबेशन पीरियड के बाद एग की हैचिंग होती है और उससे यंग वंस बनते हैं। तो बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं दूसरी तरफ क्या होता है, कि ऑन द अदर हैंड है ना, अदर हैंड द बीबी पेरस एनिमल, जो बीबी पेरस एनिमल है ना, जो बीबी पेरस एनिमल हैं उनमें क्या होता है, मेजोरिटी ऑफ द मैमल्स इंक्लूडिंग द ह्यूमन बींग्स, तुम्हें भी लेके बोल रहा है, द जाइगोट डेवलप इन टू ए यॉन्ग वंस इन साइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, सब जानते हो। तो कह रहा है कि बीबी पेरस में क्या होता है, ये अधिकतर जो मैमल्स हैं जिसमें तुम आते हो, हम आते हैं, ह्यूमन बींग आता है, तो बीबी पेरस ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैमल्स हैं, ठीक है, जिसमें कि ह्यूमन बींग आता है, उन सब में क्या होता है कि जो जाइगोट का डेवलपमेंट होता है वो फीमेल बॉडी के इनसाइड होता है, ये बात है ना, सब लोग जानते हैं। आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज, अब देखो क्या होता है, एक निश्चित समय के बाद स्टेज ऑफ ग्रोथ द यंग वंस, ठीक है, डिलीवर्ड आउट है ना, यंग वंस की डिलीवरी होती है, ठीक है, और द एक मिनट, आर द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये कह रहा है कि एक निश्चित समय के बाद, एक निश्चित अवधि के बाद एक यंग वंस की डिलीवरी होती है ना, आउट बाय द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म, यानी कि आप समझे कि जो बीबी पेरस ऑर्गेनिज्म होंगे कि उनकी बॉडी में जो फर्टिलाइज एग है कुछ समय के लिए पड़ा रहता है, उसका ग्रोथ पीरियड जैसे ही कंप्लीट होता है बेबी की डिलीवरी होती है ना, यानी कि बेबी जो होता है बॉडी से आउटसाइड आता है, ठीक है।
यानी कि फीमेल बॉडी से बाहर आ जाता है। अब उसके बाद देखें हम लोग, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर है ना, प्रोटेक्शन, द चांसेस ऑफ द सर्वाइवल ऑफ यंग वंस इज द ग्रेटर इन द बेबी पेरस ऑर्गेनिज्म। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, यानी कि आपसे यदि पूछा जाए कि बीबी पेरस और ओबी पेरस में सबसे बेहतर कौन सा है, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि बीबी पेरस ऑर्गेनिज्म में है ना क्या होता है कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द यंग वंस इज ग्रेटर, है ना। अब एक बात और समझो तो ये ग्रेटर क्यों है? अच्छा, किसी बर्ड ने कहीं अंडे दिए हैं तो वो अंडे या तो गिर जाए, आंधी आ जाए, या कोई दूसरा जानवर उसको गिरा सकता है, ठीक है, और गिरने के बाद अंडे नष्ट हो गए, इसके चांसेस हैं। लेकिन तुम इमेजिन करो कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ही एग का डेवलपमेंट हो रहा है ना, बच्चा पूरी तरह से डेवलप होके बाहर आता है, ठीक है, तो ये चीज़ बहुत ही सेफ है ना, यानी कि बीबी पेरस ऑर्गेनिज्म में क्या है, अच्छा है कि बच्चा वेल डेवलप होने के बाद आता है और चांसेस जो है उसके नष्ट होने के है ना, सर्वाइवल के चांसेस उसके ऑर्गेनिज्म के बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। अब दूसरी बात देखो, एक बात और समझते हैं हम लोग कि मैं थोड़ा सा पेज ऊपर करता हूँ, फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, इन द फ्लावरिंग प्लांट, कि फ्लावरिंग प्लांट में क्या होता है, जाइगोट इज द फॉर्मेड इनसाइड द ओब्यूल, यानी कि ओब्यूल के इनसाइड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तुम्हें पता है ना, मैंने स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट पढ़ाया है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में आपने देखा था कि एक होता है मतलब मेल पार्ट जिसको स्टेमेन कहते हैं, और दूसरा होता है फीमेल पार्ट फ्लावर में जिसको पिस्टिल बोलते हैं। अब पिस्टिल के अंदर क्या होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, है ना, ये सारा चीज़ देखते हैं। ओवरी के अंदर ओब्यूल होता है, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है, तो वही कह रहा है कि जाइगोट इज फॉर्मेड इनसाइड द ओब्यूल, यानी कि ओब्यूल के अंदर जाइगोट बनता है, ओवरी के अंदर ओब्यूल होता है और ओब्यूल के अंदर जाइगोट बनता है। दूसरी बात कह रहा है कि आफ्टर द फर्टिलाइजेशन द सेपल्स, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेपल पेटल है ना एंड स्टेमेन ऑफ द फ्लावर वीदर एंड फॉल, ठीक है, ऑन, यानी कि क्या होता है कि कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्लांट में सेपल होते हैं, पेटल होते हैं और इवन स्टेमेन जिसको मेल पार्ट कहते हैं, ये सारे विड्रॉ हो जाते हैं, यानी कि ये सारे फॉलन हो जाते हैं, गिर जाते हैं, है ना। अब एक और मज़ेदार सवाल सुनते हैं, ठीक है, मज़ेदार सवाल ये है, आपसे पूछा जा रहा है एक क्वेश्चंस कि कह रहे कि कैन यू नेम, आपसे सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है, मैं पूछ भी रहा हूँ, कैन यू नेम द प्लांट्स इन विच द सेपल्स रिमेन अटैच्ड, है ना, क्या तुम्हें पता है कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनमें सेपल अटैच रहता है? नहीं पता है ना। अब एक चीज़ देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि दिखा सकूँ। अब देखो, मैं बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये जो एक देखो, ये देखो, तो ये ब्रिंजल मैंने बनाया है, खैर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, ये बोर्ड ब्लैक बोर्ड तो है नहीं, व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड तो है नहीं। तो अब देखो, तुमने देखा है जब ब्रिंजल खरीदना है ना, गोल वाला है ये, ठीक है, तो अब देखो, तो तुमने जब देखा होगा कि ये जो यहाँ पे एक तरह से क्या हो रहा है, ये जो पार्ट है इसमें ये वाला, तो इस पार्ट को तुमने देखा होगा कि हरा होता है,
ये हरा पार्ट ही तो सिंपल है। तो क्या होता है कि ये तब तक रहता है कि जब तक तुम उस फ्रूट को, ब्रिंजल को तोड़ के घर लाते हो और उसके बाद उसको काट के फेंक देते हो सब्जी बनाते वक्त। तो ये तब तक बना रहता है उस प्लांट में, है ना, जब तक हम लोग हटाते नहीं हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताया है और आपको बहुत ही ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। पूछ भी रहा है कि कौन सा ऐसा, ठीक है, कौन सा ऐसा प्लांट है, आपको उस प्लांट का नाम बताना है कि जिसमें जो सेपल होता है वो गिरता नहीं है, वो अटैच रहता है ना, वो अटैच रहता है। ठीक है, तो आपको एक का तो एग्जाम्पल मैंने दिखा दिया ब्रिंजल में। अब देखो चिली यानी मिर्चे में भी तुम मिर्चा तोड़ के लाते हो तो उसका डंठल लगा रहता है, डैट इज सेपल, है ना। टोमेटो में भी जो ग्रीन वाला भाग जो तोड़ने के बाद तुम लोग फेंक देते हो तोड़ करके उसको, वो भी क्या है, सेपल होता है। तो यानी कि एक बात सीधे सीधे कहा जाए कि सोलेनेसी फैमिली ऐसी फैमिली है, प्लांट की एक फैमिली जिसमें तुम्हारा टमाटर आता है, ब्रिंजल आता है, मिर्चा आता है, ये सारी चीज़ सोलनेसी फैमिली के अकॉर्डिंग्स आती हैं। और उसमें क्या होता है कि जो सेपल होता है वो परसिस्टेंट होता है। तो इस बात को एक तरह से नोट कर लेना है ना, कई बार ये सवाल पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग कि आगे क्या लिखा है हमारी एनसीईआरटी ने, है ना, मैंने इतना बता दिया। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग कि क्या होता है। कह रहा है कि द पिस्टिल हाउ ईवर रिमेन अटैच टू द प्लांट। पिस्टिल तो हर समय लगा ही रहता है प्लांट में, ठीक है ना। द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो, और जो जाइगोट होता है उसका विकास होता है एम्ब्रियो में, डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड ओव्यूल डेवलप इंटू द सीड, ठीक है ना, एंड ओवरी डेवलप इंटू द फ्रूट, ओवरी से फ्रूट बनता है ना, विच डेवलप ए थिक वॉल कॉल्ड द पेरिकार्प। ठीक है, अब कह रहा है कि डैट इज द प्रोटेक्टिव, है ना, डैट इज प्रोटेक्टिव इन द फंक्शन, वो प्रोटेक्टिव होता है। आफ्टर डिस्पर्सल, डिस्पर्सल के बाद क्या होता है, सीड जर्मिनेशन, जर्मिनेशन अंडरगो द फेवरेबल, है ना, कंडीशन टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। ठीक है, न्यू प्लांट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपने समझा। एक बार मैं आपको दिखाता भी हूँ कि क्या होता है। एक फिगर छोटा सा मैं बनाऊँगा, थोड़ा फिगर टेढ़ा मेढ़ा होगा क्योंकि फिगर इस पे बनाना थोड़ा सा कठिन होता है मेरे लिए, है ना, तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखेंगे। आई एम ट्राइंग टू ड्राइंग। ठीक है, अब देखो ये क्या होता है। एक चीज़ देखो कि ये जो होता है, ये फ्लावर का मैंने पार्ट बनाया है ना। अब इस फ्लावर के पार्ट में देखो, ये होता है स्टिग्मा, स्टिग्मा एस, ये स्टाइल है ना, ये स्टाइल होता है, और ये होता है तुम्हारा स्वालन पार्ट, ओवरी। ये तीन चीज़ें होती हैं। और मैंने क्या बताया है अभी, ये जो स्टिग्मा होता है ये विड्रॉ हो जाता है, ये गिर जाता है। ठीक है, अब ओवरी जो है तुम्हारा ये फ्रूट में डेवलप हो जाता है। ठीक है, ओवरी फ्रूट में डेवलप होगा, ओवरी के अंदर जो ओव्यूल होते हैं वो सीड में डेवलप हो जाते हैं, और जो जाइगोट होता है वो इम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है ना। कि अच्छा, एक बात और भी पूछा जा सकता है तुमसे कि फ्लावर के किस पार्ट से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो बताओगे कि ओवरी से फ्रूट का फॉर्मेशन होता है ना, ओवरी का डेवलपमेंट होता है फ्रूट में। ठीक है, लेकिन एक बात और देखो, जो तुम्हारा एप्पल है, एप्पल
तो वो एक तरह से ट्रू फ्रूट नहीं है। अब पूछो कि क्यों ट्रू फ्रूट नहीं है, क्योंकि उसका फॉर्मेशन ओबरी से होने की बजाय अन्य पार्ट से होता है, इसलिए वो फॉल्स फ्रूट है। ठीक है ना? तो आपने क्या देखा, यहाँ तक मैंने आपको बताया कि किस तरह से इम्ब्रियोजेनेसिस होता है। अब आपके सामने एक फिगर दिया है, मैं फिगर को भी एक्सप्लेन कर दूँ थोड़ा सा। ठीक है, कह रहा है कि ए फ्यू काइंड ऑफ द फ्रूट शोविंग द सीड एंड द प्रोटेक्टिव पेरिकार्प। अच्छा, पेरिकार्प का मतलब होता है कि उसके बाहर की कवरिंग। आप देखें, ये जो सीड है, ये जो एस लिखा हुआ है ये सीड है, और उसके बाद से पी जो लिखा हुआ है ये पेरिकार्प है। ठीक है, तो फ्रूट में किस प्रकार से सीड है, उसके चारों तरफ प्रोटेक्टिव कवरिंग है, तो पेरिकार्प है। ठीक है, तो इस तरह से आज का ये सेशन समाप्त होता है, ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। अच्छा, इसी पे बेस्ड हम आपको कुछ एमसीक्यू देंगे, है ना? आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है, मैं कल हो सकता है कि सॉल्व कराऊंगा, तो इसलिए टॉपिक्स को काफ़ी अच्छे से आप पढ़ें, है ना? और उसके बाद एमसीक्यू भी सॉल्व करें। हम लोग एनसीईआरटी का हर लाइन एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर लाइन पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 90% क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे इसको पढ़ने के बाद से। ठीक है, और यदि आप पूरी अटेंशन के साथ पढ़ते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 100% क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, है ना? और वे क्वेश्चंस आपको 12th एज वेल एज इन नीट एग्ज़ाम हेल्प करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।